जब मन के काले अंधेरे में पनपती है नीच सोच, तो पैदा होती है वारदात। कुछ ऐसी ही वारदात दर्ज है आज की क्राइम डायरी में। तो आइए करते हैं पड़ताल क्राइम डायरी के खौफनाक पन्नों की। शारदा बेन के साथ जो हुआ वो शायद नहीं होता अगर शारदा बेन रोज की तरह अपने पति के पास खेत पर काम करने चली जाती, लेकिन ये होनी थी, जिसका अंदाजा ना तो शारदा बेन को था और ना ही उसके पति को। क्राइम डायरी में शारदा बेन की दास्तान के कुछ ऐसे राज दफन हैं, जो राज ही रहते तो अच्छा था, क्योंकि ये राज ऐसे अंजाम लेकर सामने आए हैं जिसे जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। शारदा बेन और उसके तीनों बच्चों को किसी ने बेरहमी से मार डाला। पुलिस को चारों की लाशें घर के सेफ्टी टैंक से बरामद हुई। आप देखिए दिल को दहला देने वाली ये डरावनी रिपोर्ट। चार लोगों की हत्या से सहम उठा जूनागढ़। एक ही परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या। मां के साथ उसकी औलादों को मार डाला। अज्ञात शख्स ने दिया कत्लेआम को अंजाम। मामले की तफ्तीश में जुटी जूनागढ़ पुलिस। मौके पर जमा लोगों की भीड़, डॉग स्क्वाड के साथ जांच करने पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी और चारों तरफ फैला खौफनाक सन्नाटा। यहां हुई जुर्म की एक ऐसी वारदात की तस्दीक कर रहे हैं जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा कर रख दिया है। मामला एक ही परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक हत्या का है। गुजरात के जूनागढ़ के मंगरोल गांव में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक महिला और उसके तीन बच्चे शामिल हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला कर रख दी है। मंगरोल पुलिस स्टेशन की हद में मानखेतरा गांव के सिम में देवराज भाई गोहिल की जो खेत है उसमें उनकी पत्नी शारदा बेन और उनके तीन बेटे बेटियां ऋतिक डोली और नेहा को कोई अनजान व्यक्तियों ने कोई तीक्ष्ण हथियार से उनको गंभीर इजा पहुंचा के उनका मौत निपजाया हुआ है। मरने वालों की पहचान 35 साल की शारदा बेन, 13 साल के उसके बेटे ऋत्विक, 12 साल की डॉली और 7 साल की बेटी नेहा के रूप में हुई है। ये पूरा वाक्या उस वक्त पेश आया जब गुरुवार की सुबह शारदा बेन का पति हर रोज की तरह अपने काम पर खेत में गया हुआ था। पेशे से खेती किसानी कर अपने परिवार का गुजर बसर करने वाली शारदा बेन आमतौर पर अपने पति के साथ मेहनत मजदूरी के लिए खेत पर जाया करती थी, लेकिन गुरुवार को ना जाने वो कौन सी वजह थी जो वो पति के साथ खेत पर नहीं गई। रोज काम पर जाने वाली शारदा बेन गुरुवार को घर पर थी और वो खेत पर अपने पति के साथ काम के लिए नहीं गई थी। वो घर पर ही अपने तीनों मासूम बच्चों के साथ थी। ना जाने उसी वक्त किसने और क्यों शारदा बेन और उसके तीनों बच्चों की हत्या कर दी। दोपहर के वक्त गांव का एक शख्स जब शारदा बेन के घर पर आया तो घर का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था। परिवार के लोगों की तलाश की गई लेकिन कोई भी नहीं मिला। ऐसे में गांव के लोगों ने शारदा बेन के पिता देवा भाई मेवाड़ा को इस बात की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर जब देवा भाई मौका वारदात पर पहुंचे तो उन्होंने भी अपनी बेटी और उसके बच्चों की तलाश की लेकिन वो नहीं मिले। तभी उनकी नजर घर के सेप्टिक टैंक पर पड़ी जिसमें शारदा बेन और उसके तीनों मासूम बच्चों की लाश पड़ी थी। एक साथ परिवार के चार लोगों की हत्या ने ना सिर्फ पूरे परिवार बल्कि पूरे गांव में मातम पसार कर रख दिया।
एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या की जानकारी मिलने पर इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस सनसनीखेज मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। तो इसके आधार पर हमने उनके पिताजी शारदाबेन जो गुजर गए हैं उनके पिताजी की फरियाद लेकर सीआर दाखिल करके हमारी तपास आगे बढ़ाई। शक के दायरे में कोई है? अभी शक के दायरे में तो उनके साथ में जो काम करता है महेंद्र उर्फ जी का, वो अभी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी उसकी तपास आगे बढ़ाई। जांच के लिए मौके पर पहुंची पुलिस की माने तो चारों लोगों की हत्या धारदार हथियार से रेत कर की गई है, लेकिन इस वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया इसकी जांच करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बहरहाल पुलिस ने शारदाबेन के पिता की तहरीर के आधार पर अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है, लेकिन वारदात अपने पीछे कई तरह के गहरे सवाल छोड़कर गई है। सवाल ये कि आखिर किसने और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया। सवाल ये कि ये दिन दहाड़े चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। सवाल ये भी कि उन चार मासूम जिंदगियों ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। सवाल कई हैं जो उनको दुनिया देखने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत कर दिया, जिनका जवाब पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। खैर, पुलिस इन सारे सवालों के जवाब के लिए अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है और जल्द ही मामले के खुलासे के दावे कर रही है। क्राइम डायरी के लिए जूनागढ़ से सलीम समा की रिपोर्ट। हकीकत ऐसी जो होश उड़ा दे और दास्तान ऐसी जो दिल दहला दे। क्राइम डायरी का अगला पन्ना जुड़ रहा है उत्तर प्रदेश के बदायूं से। एक ऐसी महिला की कहानी, एक ऐसी महिला की दास्तान जो विधवा थी, अपने देवर के रहमो करम पर जिंदा थी। देवर जिसे भाई का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसी कलयुगी भाई ने, इसी कलयुगी देवर ने उस विधवा भाभी की जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। वो उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था और जब अपनी करतूत में कामयाब नहीं हुआ तो उसने उसी मजलूम भाभी को जिंदा जला दिया। ना उसे इंसानियत का कोई लिहाज था और ना ही रिश्तों की कोई परवाह। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के बदायूं में रिश्ता हुआ शर्मसार, सिरफिरे युवक की खौफनाक करतूत, विधवा भाभी से देवर करता था इश्क, भाभी कर रही थी अवैध रिश्तों से इनकार, तो देवर ने भाभी को जलाकर मार डाला। खबर जितनी हैरान कर देने वाली है उतनी ही डरा देने वाली और उससे कहीं ज्यादा रिश्तों का कत्ल कर देने वाली। कफन में लिपटी ये लाश उस वारदात की गवाही दे रही है जिसमें एक देवर ने रिश्तों को कलंकित करते हुए अपनी ही सगी विधवा भाभी को मौत के घाट उतार दिया। यूपी के बदायूं में एक देवर ने अपनी भाभी को आग के हवाले कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल वह अपनी भाभी से एक तरफा इश्क करता था। वह अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं। ये इस्लामनगर थाने में एक गांव पड़ता है, मड़िया लगारी, वहां पर मौर्यों का गांव है। उसमें परसों रात में खबर मिली थी कि एक महिला को जला दिया गया है, तो तत्काल ही एसओ और 100 नंबर की पुलिस और हम भी पहुंच गए थे। रिश्तों का कत्ल कर देने वाली ये दर्दनाक तस्वीर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के इस्लामनगर थाना इलाके से सामने आई है, जहां आज से करीब 8 साल पहले नीलम नाम की एक लड़की की शादी जसवीर नाम के शख्स के साथ हुई थी। 3 साल पहले जसवीर की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद से नीलम का देवर जितेंद्र उस पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था।
लेकिन नीलम अपने देवर के मंसूबों को लगातार नकार रही थी। बीते 3 सालों के बीच जितेंद्र ने कई दफा नीलम पर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और इसी बात से नाराज होकर वो आए दिन नीलम के साथ मारपीट भी किया करता था। वो आपकी बेटी के साथ मार गई। किसने आग लगाई? देवर ने। क्यों? क्या मालूम इस बात की, कौन बता दे? शादी का दबाव बना रहा था वो। शादी का दबाव बना था। घर वालों ने बताया उसको क्यों लगाई? घर वाले को ये सब फरार है। नीलम ने इसकी शिकायत अपने मायके वालों से भी की थी, जिसके बाद कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन हर बार मामले को रफा दफा कर दिया गया। इसके बाद भी जितेंद्र ने नीलम का उत्पीड़न बंद नहीं किया। नीलम के परिवार वालों का आरोप है कि मंगलवार रात को उसकी बहन को उसके देवर जितेंद्र ने मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। जब तक वारदात की जानकारी नीलम के परिजनों को मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीलम के परिजन जब तक उसके पास पहुंचते, तब तक वह पूरी तरह जल चुकी थी और दम तोड़ चुकी थी। जानकारी मिलने पर नीलम के परिजन बेटी के ससुराल पहुंच गए, जहां नीलम की लाश कमरे में जली हुई हालत में पड़ी थी। बेटी की मौत ने पूरे परिवार में कोहराम मचा दिया, जिसके बाद नीलम के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। वारदात की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नीलम की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके परिवार वालों की तहरीर के आधार पर आरोपी जितेंद्र के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। वहां पर एक महिला थी, परिवार में थी, उसके पति का 2-3 साल पहले देहांत हो गया था और उसके एक बच्चा भी है 6-7 साल का, उसका नाम नीलम है। और उसके घर में जेठ और उसके जिठानी रहते थे और देवर रहता था। तो जो जानकारी मिली थी कि देवर जो था उसका नाम जितेंद्र है, वो उस पर मतलब गलत निगाह डाले हुए था और इस चीज़ के लिए जो महिला थी वो अपना मना करती थी। जो भी जानकारी मिली है उसके आधार पर उस महिला को उसी जितेंद्र ने जला दिया और फिर मुलजिम वहाँ से भाग गया था। जो मृतका नीलम है उसके परिवारजन आ गए थे और उनके द्वारा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है इस्लामनगर थाने में और जितेंद्र की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश जारी है। पुलिस जल्द ही जितेंद्र को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने के दावे कर रही है। यकीनन पुलिस एक न एक दिन जितेंद्र को गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा भी दे, लेकिन अवैध संबंधों के चलते हुई इस वारदात ने न सिर्फ रिश्तों का कत्ल करने का काम किया है, बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैला कर रख दी है। क्राइम डायरी के लिए बदायूं से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। कहने को हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, लेकिन ना तो अपराध कम हो रहे हैं ना ही अपराधी। क्राइम को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्राइम से बचा जरूर जा सकता है। क्राइम की कुछ ऐसी ही दास्तान हम आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब एक की तकलीफ दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है, तो यहां पर कहा जा सकता है कि यहां ना तो कोई सभ्य समाज है और ना ही कोई कानून। एक शख्स को भीड़ पेड़ से बांधकर पीटती है, नाराज शख्स पीटने के बाद पुलिस पर हमला कर देता है और पुलिस उसे वो सजा देती है जो ना तो कानून की किसी किताब में दर्ज है और ना ही हमारे संविधान में। भीड़ उसे फिर से पेड़ पर बांधकर इतना पीटती है कि उसकी मौत हो जाती है। यह किसी एक शख्स की मौत नहीं है, ये पूरे सिस्टम की मौत है, जो वहां पर पहुंच तो जाता है लेकिन उस शख्स को बचा नहीं पाता। मर गई इंसानियत। कानून वाकई अंधा है। भीड़ युवक को पीटती रही, पुलिस तमाशबीन बनी रही और फिर
पीड़ित युवक की मौत हो गई। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। ये तस्वीरें किसी को भी हिलाकर रख देने के लिए काफी हैं। पब्लिक एक शख्स को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीट रही है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है, मगर पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, तमाशबीन बनी हुई है। मानो जैसे यहाँ कोई तमाशा चल रहा हो, मानो जैसे इन वर्दी वालों के अंदर की इंसानियत मर गई हो। पुलिस वालों ने भीड़ के हाथों पिट रहे युवक को बचाने की एक बार भी कोशिश तक नहीं की। मुंबई के डोंबिवली में भीड़ एक शख्स को तब तक पीटती रही जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। वहां पर पुलिस भी पहुंची थी, कानून के रखवाले भी पहुंचे थे, लेकिन ना पुलिस ने उसको बचाने की जहमत उठाई और ना ही उसे भीड़ ने बख्शा। दिल दहला देने वाली यह तस्वीर मुंबई के डोंबिवली के खोनी गांव के पास की है। देखिए किस तरह से एक शख्स को पेड़ से उल्टा लटका कर रखा गया है। युवक दर्द से कराह रहा है, इसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। पुलिस की टीम भी खड़ी है, लोग उससे बातें कर रहे हैं। दरअसल ये शख्स किसी ट्रक में बैठकर खोनी गांव के पास उतर गया, जहां उसकी किसी से अनबन हो गई। अनबन के बाद ये व्यक्ति अपना आपा खो बैठा। लोग इसे चढ़ाने लगे, जिससे इस शख्स ने चढ़कर दो लोगों पर हमला बोल दिया। फिर क्या था, यहाँ पर जमा 20 से 25 लड़कों ने इस शख्स को पहले तो जमकर पीटा, फिर उसे एक पेड़ से बांधकर उल्टा लटका दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मानपाड़ा पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। देखिए पुलिस खड़ी है, किस तरह से वो शख्स चिल्ला रहा है। इस व्यक्ति को पेड़ से खोलकर अस्पताल पहुंचाने में पुलिस वालों को 1.5 घंटे का वक्त लग गया, जहां इलाज के दौरान इस शख्स ने दम तोड़ दिया। कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन मानपाड़ा अंतर्गत खुने गांव में एक माथे फिरू आदमी को गांव के कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसके कारण उसकी दवाखाना ले जाते वक्त मृत्यु हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का बताया जा रहा है, लेकिन अब तक इसके नाम का पता नहीं चल पाया है। उसके पास से कुछ कागजात मिले हैं, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि उसका इलाज चल रहा था। सोशल मीडिया पर घटना की क्लिप वायरल होने के बाद जागी मानपाड़ा पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो खोनी गांव और आसपास के युवक हैं। फिलहाल इस मामले में और भी गिरफ्तारियां किए जाने की बात पुलिस कर रही है। इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन मानपाड़ा में गुनाह दर्ज हुआ है और तहकीकात चालू है। अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने पेड़ से बांधे गए व्यक्ति को खोल दिया, जिसके बाद यह युवक, जो लोगों द्वारा की गई पिटाई से और भी सनक गया था, उसने पुलिस की वॉकी टॉकी तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने फिर से उसे उस पेड़ में बांध दिया और लोगों ने फिर इस व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। वो पिटता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन भीड़ ने उस पर कोई रहम नहीं किया। मौके पर मौजूद एक शख्स ने इस पूरे मामले का एक वीडियो बनाया, उसे सोशल मीडिया पर डाला और वीडियो वायरल हो गया। तब मुंबई पुलिस ने 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहरहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच की बात कर रही है और बाकी बचे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के दावे कर रही है। चलिए मान भी लें कि पुलिस इस मामले में संबंध रखने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन क्या एक व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से बीमार है, अगर वो आपे से बाहर हो जाता है, तो क्या लोग भी अपना आपा खो बैठेंगे?
क्या किसी को खुलेआम इस तरह से सजा दी जाएगी? फिलहाल कानून को हाथ में लेने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपनी ड्यूटी का पालन ना करने वाले दो पुलिस वालों को भी घर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में आगे क्या जांच करती है। क्राइम डायरी के लिए मुंबई से आनंद पांडे की रिपोर्ट। पुलिस जिस पर हर किसी को भरोसा होता है, हर इंसान को विश्वास होता है कि पुलिस उसकी रक्षा करेगी, लेकिन इटावा की सड़कों पर घूम रहा वो शख्स खाकी वर्दी में भी था, लेकिन वह समाज का रक्षक नहीं इंसानियत का भक्षक था, जिसने एक नाबालिग की जिंदगी तार तार कर दी। उसके इज्जत और आबरू से खेलने में उसे एक जरा भी शर्म नहीं आई। ये पुलिस वाले आपके दहलीज तक पहुंच रखते हैं, लेकिन जरा ख्याल रखिएगा कि कहीं खाकी वर्दी में ये हैवान तो नहीं है, कहीं खाकी वर्दी में ये हैवान तो आपके अगल बगल आसपास नहीं घूम रहे हैं। एक बार फिर रक्षक बना भक्षक, एक बार फिर शर्मसार हुई खाकी। सिपाही ने किया नाबालिग से दुष्कर्म, शिकंजे में बलात्कारी पुलिस वाला। जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब एक रखवाला ही किसी की आबरू का दुश्मन बन जाए, तो ऐसे में किसी से क्या कहा जाए। कुछ इसी तरह की शर्मनाक वारदात सामने आई है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से, जहां एक वर्दी वाले ने न सिर्फ खाकी को कभी ना मिटने वाला दाग दिया है, बल्कि एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस वाले है ना, हाँ। जो एम्बुलेंस 100 नंबर वाले, हाँ। तो रात में ड्यूटी करता है, हाँ। वो सुबह 4 बजे 4:30 बजे, हाँ। मेरे बेटे साथ रेप किया है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा के जसवंत नगर थाने से सामने आया है, जहां के पोखरा गांव के पास एक ईंट के भट्टे के मजदूर की नाबालिग बेटी के साथ डायल 100 में तैनात जितेंद्र नाम के सिपाही ने बलात्कार किया। सूचना पर पहुंची जसवंत नगर पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया। ये पूरा वाक्या बीते बुधवार की शाम पेश आया, जब ईंट के भट्टे पर काम कर रहे मजदूर की बेटी के साथ सिपाही जितेंद्र ने बलात्कार किया। पीड़िता के पिता की माने तो आरोपी सिपाही कई दिनों से ईंट के भट्टे पर चक्कर लगा रहा था और उसकी नजर उसकी बेटी पर थी। बुधवार शाम जब भट्टे की लेबर बाहर गई हुई थी, तभी सिपाही ने मौका पाकर किशोरी को दबोच लिया और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। थाना जसवंत नगर में चौकी दरबार एक पड़ती है, उस पर एक सिपाही तैनात है। उस सिपाही पे आरोप है कि उसने रात में एक भट्टा मजदूर, भट्टे पे एक लड़की काम करती है, परिवार एक रहता है, उसमें लड़की है, उससे जो है रेप किया है। सिपाही की गिरफ्तारी करा ली गई है, FIR उसमें पंजीकृत की गई है और उसके सिपाही की गिरफ्तारी करा ली गई है और सस्पेंशन उसका कर दिया गया है। सिपाही द्वारा किशोरी के साथ बलात्कार की सूचना पर जसवंत नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित परिवार छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले का रहने वाला है, जो पिछले 1 साल से यहां भट्टे पर काम कर रहा है। बहरहाल वारदात की जानकारी मिलने पर जिला अस्पताल पहुंचे SSP वैभव कृष्ण ने बताया कि आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है और पीड़ित के पिता की तरफ से सिपाही के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या बताया, बताया रोते हुए आया मेरे पास, पापा पापा कहा मेरे को, ये पुलिस वाले जो गाड़ी खड़ा है वहाँ मेरे को जुबान बंद कर दिया, मेरे साथ रेप कर दिया। थाने का तुरंत मैं बाबूजी से बात किया, मैं अपने मालिक भट्टा से, वो आगे कार्रवाई किया चालू किया। जिन कंधों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, अगर वही कंधे महिलाओं की अस्मत के दुश्मन बन जाएं, तो सवाल उठना लाजमी है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो ऐसे में आधी आबादी की सुरक्षा
किसके हवाले है। चैनल वन के लिए इटावा से अशरफ अंसारी की रिपोर्ट। क्राइम डायरी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई वारदात के साथ इसी समय इसी चैनल पर। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।